श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि पूर्णिमा का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है और जो पूर्णिमा है इस बार की वो आज भी है और कल भी है। और अगर आपने रात में पूर्णिमा दीपक चुपचाप लगा दिया ना 9:30 बजे के बाद में, यकीन मानिए आपकी बरसों पुरानी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और हाँ, आपकी फैमिली परिवार में कभी कोई संकट, कभी कोई तकलीफें नहीं आएंगी। बहुत ही विशेष सा उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। और सभी लोगों को आज करना है तो आज कर लो, कल करना है तो कल करना, बट रात में ही करना, ठीक है ना। चलो समझते हैं। देखो, जो पूर्णिमा का दिन होता है ना, मैं आपको कई बार बता रखा है, पूर्णिमा के दिन में चंद्र देवता का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन फुल मून आपको दिखाई देंगे, पूरा चांद, है ना, मानते हो। आपको क्या करना होगा, दीपक लगाना है चंद्र देवता के पास में। आपको ऐसे मिट्टी का दिया लेना, मैंने ऐसे दीपक लगाने के बारे में आपको बहुत बार बताया, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना। क्या करेंगे, आपको ऐसे मिट्टी का दिया लेना, इस मिट्टी के दीपक को लेके चंद्र देवता की रोशनी में आपको जाना है। जब भी आपको चंद्र देवता की रोशनी थोड़ी सी तेज नजर आए, ऐसा माना जाता है कि रात में 9 बजे के बाद में चंद्र देवता की रोशनी थोड़ा सा तेज होती है ना, आपको क्या करना है, अपने साथ थोड़ा सा गंगा जल लेके जाना। घर में होगा सभी के गंगा जल, थोड़ा सा आपको गंगा जल क्या करेंगे, चंद्र देवता की रोशनी में अपने घर के छत पे या फिर जमीन पे नीचे आपको गिरा देना है ना। गिरा दिया, गिराने के बाद में आपको छोटा सा काम और करना है, आपके पास में अगर चावल का कुछ दाना हो, चंद्र देवता के लिए चंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको चावल का दाना लेना और वहीं गंगा जल के ऊपर चावल के कुछ दाने को रख देंगे, है ना। चावल के दाने के ऊपर आपके पास में जो दीपक है उस दीपक को रखना होगा। नियम यह कहता है कि हम लोगों को गोल बत्ती का दिया लगाना चाहिए, बट इस उपाय में हम लोग को गोल बत्ती का दिया नहीं, आप लोगों को चौमुखी दिया इस तरीके से लगाना है और जो चौमुखी दीपक होगा वो घी का दिया लगाएंगे, है ना। अब मेरी बात यहां पे बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, जो चौमुखी दीपक को आप लगाओगे ना, तो आपको यहां पे चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेके लगाना है। कौन से महादेव, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से इनकी चार की चारों बत्तियों को आपको लगा देना। अब असली काम आपको यहां पे अब करना होगा। क्या करोगे, जैसे आपके घर में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए अपने घर में से एक चुटकी हल्दी लेके आना। क्या लेके आओगे, एक चुटकी हल्दी, और उसी एक चुटकी हल्दी को इसी जलते हुए दीपक में ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्यों ऐसा मंत्र बोलेंगे, क्योंकि जो पूर्णिमा का दिन होता है, भगवान सत्यनारायण का माना जाता है, भगवान विष्णु का माना जाता है, इसीलिए उनका सबसे बड़ा मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस मंत्र का स्मरण करते हुए एक चुटकी हल्दी अगर इसी जलते हुए दीपक में अगर आपने डाल दिया, यकीन मानिए परिवार तो खुश रहेगा ही रहेगा और जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो वो विशेष भी आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगे ना। भूलिएगा नहीं, कोई लोग हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर करना है, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की, जो कि आप लोग को रात में करना है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है दही के, और दही के साथ करोगे तो कहीं बाहर नहीं जाना, अपने घर पे ही करना, तरीका समझो। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय को आप करते हो या करने जाते हो तो बेनिफिट क्या होने वाले हैं। जैसे आज के टाइम पे हर घर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि भैया हम जैसे ही सुबह सो के उठते हैं हमें ज़रूरत पड़ती है दवा की। अगर आप भी बहुत मेडिसिन खा रहे हो, बहुत दवा खा रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पर आप लोग को दही दिख रहा है, दिख रहा है दही, एक चम्मच दही लेंगे, इससे ज़्यादा मत लेना, है ना। दही के साथ में आपको एक पीपल के पत्ते की ज़रूरत होगी। ज़रूरी नहीं है कि पीपल का पत्ता नया ही पेड़ से तोड़ के लाओ, नहीं, आपके घर में पहले से अवेलेबल हो कोई भी पीपल का पत्ता या फिर नीचे कहीं पे गिरा हो, उसे धुल करके भी इस्तेमाल कर सकते, ठीक है ना। क्या करेंगे, उस एक चम्मच क्या लिया था आपने, दही, उस एक चम्मच दही को इसी पीपल के पत्ते के ऊपर रखें। कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ एक चम्मच दही इस पीपल के पत्ते के ऊपर रखना, जहां से भी चंद्र देवता के आपको दर्शन हो रहे हो, कहां पे, जहां पे भी चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हो, उसी पीपल के पत्ते के ऊपर जो आपने दही रखा है, चंद्र देवता की रोशनी में पूरी रात रखा रहने देना, का पूरी रात ऐसे का ऐसा रखे रहने दो। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठो, इस पीपल के पत्ते को उठाओ दही के साथ में, एक तांबे का लोटा लो, उसमें जल भरो और इसी जल को लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो दही आपने पीपल के पत्ते के ऊपर, जिसमें चंद्र देवता की रोशनी पड़ी है, उसी दही को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से चंद्रेश्वर महादेव या फिर चंद्रमौली महादेव के नाम से लेपन करेंगे और उस एक पीपल के पत्ते को शिवलिंग के पास, ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, शिवलिंग के पास ही रख देंगे। और फिर उसके बाद में जो व्यक्ति बीमार पड़ा है, हमेशा मेडिसिन खाना, दवा खाना, परेशान रहना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अगर आपने समर्पित कर दिया, यकीन मानिए जीवन की जो तकलीफें होंगी, बीमारी
बीमारी से रिलेटेड आपके घर में लोग बहुत बीमार पड़ते हैं, नज़र, टोने, टोटके, हाय बहुत लगते हैं, वो सारी समस्याएं खत्म होंगी। इसीलिए इस उपाय को आज आपको बता रहा हूं। अगर आज नहीं कर सकते हो किसी भी कारणवश तो कल तो करने ना है, क्योंकि आज भी पूर्णिमा का दिन है और कल भी पूर्णिमा। आज व्रत वाली पूर्णिमा है और कल है स्नान दान की पूर्णिमा, इसलिए दोनों दिन में कभी भी कर सकते हो। ठीक, चलो, तो दो उपाय की हमने बात की है, आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय आपको लौंग के साथ में करना है ना। देखो क्या होता है कि आज के टाइम पे हर इंसान ना एक दूसरे से जलन की भावना रखता है। आप भी मानते हो ना कि चाहे आपके कोई भी हो, एक दूसरे से जलने की जो भावना है ना वो खत्म होती नहीं है। कोई इंसान किसी भी मेहनत करके आगे बढ़ रहा है फिर भी उससे जलना है। तो आपको क्या करना होगा, सॉरी, ऐसे लेना है लौंग। कितने लौंग लोगे? आपको 5 लौंग लेने हैं गिन करके। ठीक, लौंग लेंगे। लौंग को लेने के बाद में आपको जरूरत होगी कपूर के टुकड़ों की। कितने? 2 कपूर के टुकड़े लेंगे और 5 लौंग लेंगे। और इसको लेकर के एक छोटा सा दिया लेंगे, है ना, मिट्टी का दिया लेंगे। उस मिट्टी के दीपक में 2 कपूर को रखेंगे और जो 5 लौंग मैंने दिखाया उसको रखेंगे। अब इसे जलाना कहाँ पे है मेरी बात सुनिएगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। समझिएगा, जैसे आपने इस दीपक को तैयार कर लिया, अब आपको इस दीपक को उठाना है जहां से चंद्र देवता की रोशनी, उस दीपक के ऊपर भी आपको रोशनी दिखाई दे चंद्र देवता की, चाहे आपको अपने घर के पास में या फिर छत पे जाना पड़े, उस दीपक को चंद्र देवता की रोशनी में रखेंगे और उसी दीपक को आपको जलाना होगा चंद्रमौली महादेव या फिर चंद्रेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है ना। जला दिया, जब आप जला दोगे ना तो इसमें से उसी लौंग की जो राख होगी ना उसमें बच जाएगी। जब लौंग को हल्का सा काला हो जाएगा उसको फोड़ोगे तो राख बन जाएगा। उस राख को संभाल करके रखना। आपके घर में वर्तमान समय में जितने भी सदस्य रहते हों उन सभी लोगों को उसी लौंग का हल्का सा टीका अगर आप लगा देते हैं तो नज़र, अगर उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति लगाने वाला है, लगने लग गया है नज़र, तो नज़र फिर उसके ऊपर से उतर जाएगा। फिर आपको नज़र उतरवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो व्यक्ति उसे नज़र लगाने की कोशिश करेगा नज़र भी लौट करके उसी व्यक्ति के ऊपर चली जाएगी। बहुत स्पेशल सा, बहुत प्यारा सा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा ऐसी मानी जाती है, सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। आप सभी लोगों को उपाय चाहे तो आज कर लो या फिर कल कर लेना। ठीक, चलो, तीन उपाय की हमने बात कर ली है। एक बहुत छोटे से और बहुत ही आसान से हम लोग उपाय की बात कर रहे हैं जो कि चौथा उपाय है, और ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए है। मैंने आपको कई बार बताया है कि इच्छा सिर्फ नौकरी को लेकर नहीं होती है, व्यापार को लेकर नहीं हो सकती है, हर इंसान की अपनी अलग इच्छाएँ होती हैं। जो भी आपकी इच्छा है आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना है हरा मूंग, है ना, सभी के घरों में होगा। तो आपको एक चुटकी हरा मूंग लेंगे। उस एक चुटकी हरे मूंग को लेने के बाद में आपको लेना होगा बेलपत्र। कितनी? मात्र एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। कहीं बाहर मत जाना, अपने घर पे उपाय करना है। बेलपत्र ले लिया, हरा मूंग ले लिया, और उसके बाद में आपको ऐसे एक दीपक लेना, ठीक है ना। इस दीपक के अंदर आपको बेलपत्र के ऊपर उस हरे मूंग को रख देना है। बेलपत्र के ऊपर हरे मूंग को रखेंगे और इस दीपक को उठा करके चंद्र देवता की रोशनी में रख देंगे, ठीक है ना। और अगले दिन सुबह आपको उठ करके इस बेलपत्र को दीपक के साथ में उठाएंगे और आपके ही घर में जो भी शिव शंभू का शिवलिंग हो, भोलेनाथ का शिवलिंग हो, उनके ऊपर ले जाकर के उस एक बेलपत्र को और उस हरे मूंग को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और चंद्रमौली महादेव के नाम से अगर आपने एक लोटा जल समर्पित कर दिया तो जिस कामना से, जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो या फिर करने की सोच रहे हो, वो विशेष, वो इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। इससे आसान, इससे प्यारा उपाय आपकी मनोकामना के लिए, आपकी इच्छा के लिए नहीं हो सकता। तो आप सभी लोगों को करना है, भूलना किसी को भी नहीं, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने कोशिश, तो इस पूरी वीडियो में हम सभी लोगों ने बात की है अपने चार उपाय की। वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करिए। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आए तो बिल्कुल उसके लिए आप परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि उपाय आज ही आपको करना है, नहीं, आप चाहें तो आज कर सकते हो या फिर कल भी कर सकते हो। आज भी पूर्णिमा है और कल भी पूर्णिमा है, ठीक है ना। आज कौन सी पूर्णिमा है? व्रत वाली, और कल है स्नान दान की पूर्णिमा, तो करिएगा ज़रूर। बाकी वीडियो को लाइक करना है और हाँ, जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझसे अगर आपको बातें करनी है, फोन पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना है द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।